का आपने अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार आपने प्रोग्राम शुरू किए किसानों के लिए, लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं शानदार तरीके से। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को तमाम उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूँ आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कांग्रेस के दोनों किसान सम्मेलन जो एक डूंगरगढ़ में और दूसरा मातृकुंडिया में हुआ, दोनों की खासी चर्चाएं हैं क्योंकि काफी लंबे समय के बाद पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच साझा करते नजर आए। लेकिन मातृकुंडिया की जो किसान सम्मेलन था उसकी चर्चाएं एक खास वजह से और है। क्या है वो वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मातृकुंडिया की सभा इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि यहां खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को मैं कहना चाहूंगा कि आपने अध्यक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश भर में लगातार किसानों के लिए प्रोग्राम चलाए हैं और प्रोग्राम सफल हुए हैं, उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी को और उनकी तमाम टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा जी को कहा आपने अध्यक्ष बनने के बाद में जिस प्रकार आपने प्रोग्राम शुरू किए किसानों के लिए, राहुल गांधी जी आए थे तब भी और अब भी लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं शानदार तरीके से, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को तमाम उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात क्यों कही, इसका मर्म अतीत में छिपा है। दरअसल जब मानेसर वाली घटना हुई थी उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट के पीसीसी चीफ रहते हुए जो सहयोग उन्हें मिलना चाहिए था या जिस तरह का समन्वय सरकार और संगठन में रहना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसी के साथ जब किसान सभा को सचिन पायलट संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने वो बात भी दोहराई कि किस तरह पीसीसी चीफ रहते हुए उनकी वजह से सरकार बन पाई है। तो इस बात का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल की तारीफ कर दी। अब मुख्यमंत्री को गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में एक ऐसा सेनापति मिल चुका है जिसके साथ मिलकर वे पार्टी और प्रदेशवासियों के हित में बड़े से बड़े फैसले भी निसंकोच ले सकते हैं। इसकी स्पष्ट झलक मुख्यमंत्री के तमाम फैसलों के साथ ही पार्टी की ओर से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में भी साफ दिखाई दी। शायद यही वो बात थी जिसे मुख्यमंत्री पायलट के पीसीसी चीफ रहते ढूंढते रहे, लेकिन उनकी तलाश अब जाकर पूरी हुई है।